नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है कि मूर्तियों का सही विसर्जन कैसे करें। बहुत सारे SMS आए हैं, बहुत सारे कॉल आए हैं, तो मैंने सोचा कि इस विषय पे जरूर आपको जानकारी आप तक पहुंचाऊं। मूर्तियों के विसर्जन से पहले हमें ये जानना होगा कि किस तरह की मूर्ति हम अपने घर में लेके आए। मूर्तियां जनरली बाजार में आपको लकड़ी की, कागज की बनी हुई, पेंटिंग करी हुई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां और कांच की आजकल काफी मात्रा में मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी, धातु की मूर्ति मिलेगी। तो इस तरह बहुत तरह की मूर्तियां, बहुत तरह के प्रकार की मूर्तियां आपको बाजार में अवेलेबल मिलती हैं। हमें मूर्तियों का सिलेक्शन इस हिसाब से करना चाहिए कि वो कम से कम मात्रा में खंडित हो, क्योंकि विषय यह है कि घर में अगर रखी हुई मूर्ति खंडित हो गई है तो हम उसका सही तरीके से विसर्जन कैसे करें। अब मैं आपको बताता हूं कि विसर्जन से पहले आप उनकी प्रॉपर विधि विधान से पूजा करें, उनको प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लें कि हमसे जाने अनजाने में जो भी त्रुटि हो गई हो हमें क्षमा करें और उसको जिस तरह की मूर्ति है उसी तरह आप उसको प्रवाह कर दें। जैसे हम बात करते हैं कागज की मूर्ति, कागज की जो मूर्ति जो लोग यूज करते हैं अपने घरों में, कागज को हम किसी भी पानी के अंदर बाल्टी में, मग में, टब में उस मूर्ति को खोलें, कांच को अलग करें, उस कागज को उसमें थोड़े समय के लिए भिगो दें तो वो फूल जाएगा। फूलने के बाद में आपको उसको पेड़ों में यूज कर सकते हो, बहते हुए पानी में यूज कर सकते हो, या उसका थोड़े टाइम के बाद देखो कि गुत्थी सी बन जाती है, उसको खाद में आप मिला के यूज कर सकते हो। तो कागज का एक ये रूप है। दूसरा है कि लकड़ी की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति को भी आप विधिवत पूजा करने के बाद में अगर वो कहीं से टूट जाती है तो आप उसको संपूर्णता यानी पूजा करने के बाद में आप उसको किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाह कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि आज की डेट में जो कांच की मूर्ति है वो एक फैशन का स्वरूप हो गया है। अगर वो टूट जाती है और आपने उसे पूजा करी है, खंडित होने का डर रहता है, इसलिए कांच की मूर्ति को विशेष करके गड्ढा खोद के मिट्टी में ऐसी जगह दबाएं कि किसी को वो हानि ना पहुंचाए। किन चीजों से हम बचे? हमें ज्यादा से ज्यादा मेटल की मूर्तियों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जीवन में एक ऐसी चीज है, एक आस्था का ऐसा केंद्र है कि हमने भगवान को अपने घर बुलाए, हमने उन्हें नमस्कार करा, उनसे हमने आशीर्वाद प्राप्त किया, वो उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप है जिससे हम सारी अपनी मन की बातें करते हैं। वो मूर्तियां मेटल की आपके साथ जीवन में बहुत लंबे समय तक चलेंगी और जब आपको ऐसा लगे कि उनको परिवर्तन करना है तो आप उन्हें किसी को आसानी से दान दे सकते हो या उनको वो मेल्ट होके दूसरे स्वरूप में आ सकती हैं। इससे हमारा पर्यावरण भी बचा रहेगा। तो मेरी ये निवेदन यही है कि विसर्जन करते वक्त चीजों का सावधानी रखें। आपसे निवेदन है कि आप जो मिट्टी की मूर्ति है उसे बहते हुए पानी में प्रवाह करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को ना यूज में लाए पूजा के लिए, क्योंकि उनको पानी में मिलने में या हम गड्ढा खोद के दाबने में उनके अंदर जो केमिकल प्रयोग होता है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि समाज को और हमारे हिंदुत्व को बचाए रखने के लिए ऐसी चीजों का ध्यान रखें कि मूर्तियां कम से कम खंडित हो और वो पेड़ के किनारे, रोड के पास में, ब्रिज पे या मंदिर के आसपास खुले में आप ना रखें। धन्यवाद, नमस्कार।